भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नवी मुंबई और गणेश नायक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से अरुण के विधायक गणेश नायक और नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप नायक के नेतृत्व में राज्य स्तरीय एक पात्री अभिनय स्पर्धा 2024 का जोश और खरोश के साथ आयोजन भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नवी मुंबई प्रभारी सुनील पगार के माध्यम से किया गया, जहां इस राज्य स्तरीय एक पात्री अभिनय प्रतियोगिता में सहभागी कलाकारों को शुभकामनाएं देने और उनकी हौसला अफजाही करने विशेष तौर पर मौजूद थे ऐरोली के विधायक गणेश नायक, जहां गणेश नायक का विशेष सम्मान ज्येष्ठ कलाकार रविंद्र वाडकर द्वारा किया गया। यह राज्य स्तरीय एक पात्री अभिनय प्रतियोगिता छोटे समूह और बड़े समूह ऐसे कुल 2 समूहों में विभाजित की गयी थी, जहां प्रतियोगिता में पूरे महाराष्ट्र से कलाकारों ने भाग लिया था, जिन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से सामाजिक एवं हास्यप्रद प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर विधायक गणेश नायक ने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नवी मुंबई के प्रभारी सुनील पगार की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से निश्चित रूप से उभरते कलाकारों को एक मंच प्राप्त होगा और भविष्य में वे अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर पाने में सफल होंगे। सुनील पगार के इसी पहल को देखते हुए गणेश नायक ने सुनील पगार को सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में भविष्य में और प्रभावी रूप से काम करने की शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पक्ष साहित्य संस्कृति या विभागाच्या अनुषंगान सुनील पगारांना ही जबाबदारी दिलेली आहे आणि ऐरोली मुक्कामी वक्तृत्व स्पर्धा आणि अभिनय स्पर्धा अशा स्वरूपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी झाला। लोकांना अतिशय त्या गोष्टीचा आनंद झालेला आहे की नवमुंबईमध्ये कलाकारांना प्रोत्साहित करण्याकरता व्यासपीठ मिळाले याचाच त्यांना जास्त आनंद झाला। भारतीय जनता पक्ष नवमुंबईचे अध्यक्ष संदीप नाईक आणि गणेश नाईक चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या विद्यमाने हा कार्यक्रम होता आहे आणि भविष्य काळामध्ये या कार्यक्रमाची गती वाढेल असा माझा विश्वास आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।